नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम प्रोथ सेक्शन, नेचर क्रिएटेड मैन एंड वोमेन एज इक्वल। जैसा कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि कहानी में किसके बारे में चर्चा की जानी है। कहानी में, प्रस्तुत कहानी में, मैन एंड वोमेन को एक सिमिलैरिटी दी गई है, एक समानता दी गई है। और इस कहानी के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकृति ने मैन और वोमेन को इक्वल रूप में क्रिएट किया, बनाया है, उनका निर्माण किया है, लेकिन हम आप में क्यों विभिन्नता है, ये हम सबको जानना है। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं कि पैराग्राफ के माध्यम से, यानी टेक्स्ट बुक के माध्यम से, इसके चैप्टर के कि राइटर हम सबको इस कहानी के माध्यम से क्या बतलाना चाह रहा है। The house and its surrounding, the house and its surrounding, घर और उसके चारों तरफ, are a sight of peace, शांति का वातावरण था, in the early morning of April, अप्रैल की सुबह में, it nestles by the side of a small stream of crystal water, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, nestle of crystal water, nestle means to close, मतलब just उसके बगल में ही एक छोटी सी धार में बहने वाली साफ सुथरा नदी का बहाव था। द स्ट्रीम टम्बल्स डाउन द ग्रीन माउंट्स, वह धार जो थी वह ऊंची पहाड़ी हरी पहाड़ियों से नीचे गिर रही थी। ओनली 2 miles आर एनी अवे आर सो अवे, 2 मील की दूरी पे या थोड़ी और दूर पे। देयर इज ए स्ट्रेच ऑफ 100 acres ऑफ फर्टाइल लैंड, और उसी जगह से सटा हुआ लगभग 100 एकड़ का उपजाऊ जमीन है। रोलिंग विथ येलो मस्टर्ड फ्लावर्स, जो कि भरा हुआ है, एक्सटेंडिंग इन लॉन्ग जेंटल स्लोप्स, मस्टर्ड आयल के फूलों से लहलहा रहा है। बिटवीन द माउंटेन रेंज एंड द हाउस, घर और पहाड़ी के बीच में। ए गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने एक बगीचा भी था। ट्रीज एंड मैनी किड्स ब्रियरिंग फ्लावर्स ऑफ वेरियस यूज, पेड़ों से जो है बहुत प्रकार के फूल, और वेरियस ह्यूज एंड फ्रूट्स ग्रो ऑल ऑन साइड्स ऑफ द हाउस, और घर के चारों तरफ बहुत सारे फूल खिले हुए थे और बहुत सारे फलों की भरमार भी थी। यानी प्रकृति की पहली सुंदरता पहले पैराग्राफ में बताया गया है। नेक्स्ट में राइटर कहता है, The courtyard smells of jasmine which blooms in bunches of white pearls. यानी आंगन जो था वो जैस्मिन के फ्लावर के फूलों से की महक से भरा हुआ था, जो कि जिनमें सफेद मोती की तरह गुच्छे लटके हुए थे फूल के। The fragrance mingles with the thin smoke, और जो महक थी वो वातावरण में मिल चुकी थी। दैट राइजेस फ्रॉम स्वीट स्मेलिंग इंसेंस, जिसमें कि मधुर सुगंध उठ रही थी। द बर्निंग इंसेंस स्टिक्स आर ग्लोइंग एट द अल्टर ऑफ गॉड, और जलती हुई लकड़ियों की जो महक आ रही थी वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो बल्कि ईश्वर की बल्कि वेदी पर चढ़ी हुई हों। इन मिडल ऑफ द कोर्टयार्ड, घर के आंगन में के आंगन के मध्य में। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर बताया जा रहा है, असांगी इज इन हर रीडिंग रूम, असांगी जो थी वो अपने कमरे में थी जहाँ पे अध्ययन करती है, पढ़ने वाले कमरे में। एंड इज बिजी राइटिंग एन आर्टिकल, और वह एक आर्टिकल लिखने में व्यस्त थी। सी इज अ मिडल एज्ड मदर ऑफ 3 children, वह माँ के 3 बच्चों में मध्य की बच्ची थी। एंड जर्नलिस्ट, और उनकी माँ एक जर्नलिस्ट थी, संपादक थी। एंड वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट, और औरतों के अधिकार के प्रति कार्य करने वाली एक कार्यकर्ता भी थी। लैंथोई, उनकी मदर का नाम है लैंथोई, लैंथोई हर यंगेस्ट डॉटर, लैंथोई उसकी सबसे छोटी पुत्री थी। इंटर्स द रूम, उसी समय वो कमरे में प्रवेश करती है। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह बुद्धिमान लड़की थी। टुडे शी लुक्स
थॉटफुल एंड शी टेक्स ए सीट बाय हर मदर साइड। आज वह विचारणी दिख रही है, थोड़ा सोच में डूबी हुई है और वह अपनी माँ के बगल में बैठ जाती है। एट द साइट ऑफ हर चाइल्ड, अपने बच्चे की तरफ वह असांगवी ध्यान देती हैं। असांगवी लविंगली आस, असांगवी जो है वो अपने बच्ची से प्यार से पूछती हैं, हैव यू फिनिश्ड योर स्टडी माय डियर, मेरी प्यारी बच्ची क्या आपने अपना अध्ययन समाप्त कर लिया। यस मदर, हाँ माँ, आई फिनिश्ड एट लास्ट नाइट, मैं पिछली रात ही अपना कार्य समाप्त कर लिया था। टुडे बीइंग संडे, आज रविवार है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मैं कुछ एक्स्ट्रा कार्य करना चाहती हूँ, क्योंकि स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा कार्य हमको मिला हुआ है। टेल मी व्हाट डू यू वॉन्ट टू डू, आप मुझे बताओ कि आप क्या करना चाहती हो। असांगवी आस हर क्वाइट अम्यूज्ड, प्रसन्नता प्रदर्शित करते हुए असांगवी अपनी बच्ची से पूछती हैं, मदर टुमारो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द सिरोई लिली हाउस एज ए स्पीकर इन द सिंपोजियम एट आवर स्कूल। माँ, कल हम अपने स्कूल में सिरोई लिली हाउस को एक स्पीकर के रूप में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे सिंपोजियम दिया गया है, सिंपोजियम का मतलब होता है द टॉपिक इज गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल। हमारा उस लेक्चर का जो टॉपिक है वो ये है कि ईश्वर ने स्त्री और पुरुष को दोनों को सामान्य बनाया है। विल यू स्पेयर सम टाइम टू हैव, विल यू हैव, विल यू स्पेयर सम टाइम टू हैव ए डिस्कशन विथ मी, क्या आप मेरे साथ कुछ समय व्यतीत कर सकती हो इस टॉपिक पे अध्ययन करने पर, यानी इस टॉपिक के ऊपर। लेंथोई प्रेसेस ऑन हर मदर, लेंथोई जो है वो अपनी माँ को थोड़ा सा उस बात के लिए परसुएट कर रही होती है। लेंथोई हैज जस्ट हैड ए डिस्कशन विथ हर फादर, लेंथोई ने तुरंत अपने पिता से भी उस टॉपिक पे बात किया। ऑन द टॉपिक, उस टॉपिक पे टोम्बा, हर फादर उनके पिता का नाम टोम्बा था। इज ए हस्बैंड सपोर्टिव, जो कि हस्बैंड सपोर्टिव थे, सहयोगात्मक थे ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति, यानी वो हमेशा अपनी पत्नी का सपोर्ट करते थे। एंड लविंग फादर, और एक प्यारे पिता भी थे, यानी पिता का रोल और एक पति का रोल वो परफेक्टली प्ले करते थे। ही इज ए लॉयर, वो एक वकील थे, एंड ए सोशल वर्कर और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। हु एडवोकेट्स द कॉज ऑफ वुमेन, जो कि औरतों के हमें आने वाली समस्याओं की वकालत करते थे, सहयोग करते थे, सपोर्ट करते थे। ही इज ऑलवेज प्राउड ऑफ हिज वाइफ, उनको अपनी पत्नी पर सदैव गर्व था। द टू डॉटर्स एंड द सन, दो पुत्रियां और पुत्र, इन टाइम्स ऑफ नीड, समय की मांग थी, ही एक्सटेंड्स हिज हेल्पिंग हैंड टू हिज वाइफ, और वो अपनी पत्नी के मदद के लिए हमेशा हाथ बटाते थे। एंड चिल्ड्रेन, और बच्चों के भी, एंड टू द सोसाइटी एट लॉज, और सोसाइटी के भी सहयोग में वो अपना हाथ बटाते थे। ही डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, और वो किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट नहीं होते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट का मतलब दिया गया है ट्रीट वन पर्सन और ग्रुप बेटर और वर्स देन अनदर इन एन अनफेयर वे। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट का मीनिंग दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे बताया जा रहा है डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ए मैंस वर्क एंड वोमेन वर्क एनी वेयर, वो कहीं भी किसी भी जगह पर स्त्री और पुरुष के कार्यों में विभिन्नता या डिस्क्रिमिनेशन रिप्रेजेंट नहीं करते थे, दोनों को एज इक्वल के रूप में वो क्या करते थे, पाते थे। तो डियर, यहाँ पे मैं ये पॉइंट को फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अगले पॉइंट को आप सबको बताऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।